देख लो भाई, फेब्रुआरी 18 तो कल फॉक्स नेटवर्क की माइनिंग की एप्लीकेशन है, उसकी कोर टीम ने टेलीग्राम के चैनल पर जो अपडेट दी थी वो अपडेट मैंने कल के कल ही आपके साथ शेयर कर दी थी। तो इसलिए मैं आप सबको कहता हूँ कि जो टेलीग्राम का चैनल है वहाँ पर ज्वाइन हो जाओ, क्योंकि जो क्विक अपडेट होगी वो आपको फटाफट से यहाँ पर मिल जाएगी। और यहाँ पर मैंने सब कुछ बता दिया है किस तरीके से जो नई एप्लीकेशन है उसको डाउनलोड कर लेना है। जी हाँ दोस्तों, जो फॉक्स नेटवर्क की पुरानी वाली एप्लीकेशन थी उसको प्ले स्टोर से हटा दिया गया है। तो भाई, कोई भी एप्लीकेशन प्ले स्टोर से हटा दी जाती है तो बहुत सारे फ्रेंड्स ये समझते हैं कि जो प्रोजेक्ट होता है वो अपने एप्लीकेशन को हटा देता है, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं होता है। जब भी कोई प्रोजेक्ट लॉन्च होना होता है या फिर कोई नई अपडेट आनी होती है तो गूगल का प्ले स्टोर है वो उसको चेक करता है, और थोड़ी भी गड़बड़ी लगती है तो गूगल का प्ले स्टोर फटाक से उस एप्लीकेशन को हटा देता है। इस वजह से जो प्रोजेक्ट होता है उसको परेशानी होती है, जिस तरीके से हमको फॉक्स नेटवर्क में परेशानी हुई। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर दीजिए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, ये पाई नेटवर्क है तो इसको भी आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया हुआ तो ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि ये भी सबसे पहली क्रिप्टो करेंसी फोन बेस माइन हो रही है और इसका भी बहुत ही जल्द लिस्टिंग होगा। तो लिस्ट होते ही ये हमको अच्छा खासा प्राइस देगी, इसकी फुल पॉसिबिलिटी है, क्योंकि ये मार्केट में बहुत ही ज़्यादा फेमस है और इसकी कोर टीम भी बहुत ही स्ट्रांग है और इसका बहुत ही स्ट्रांग बैकग्राउंड में वर्किंग चल रहा है। तो जैसे ही ये लिस होगा तब हमको ये अच्छा खासा प्राइस देकर जाएगा, इसकी फुल पॉसिबिलिटी है। तो इसको भी आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया हुआ तो ज्वाइन कर लीजिए, इसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और साइन अप का डिटेल वीडियो भी बना दिया हुआ है, उसका लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इन्होंने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर APK फॉर्म में एक नई एप्लीकेशन को जनरेट कर दिया और कल के कल ही हमको दे दिया था। तो किस तरीके से डाउनलोड करना है वो सब मैंने यहाँ पर समझा दिया था। तो अभी शॉर्ट में समझ लो, पहले तो जो पुराने वाले एप्लीकेशन है उसको अनइंस्टॉल कर लेना, और फिर इनकी जो वेबसाइट है जो यहाँ पर दे दी है तो इस वेबसाइट की लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा, तो वहाँ से इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर चले जाना। अब यहाँ पर आने के बाद स्क्रॉल करके थोड़ा नीचे जाओगे तो इस तरीके से इंस्टॉल एप्लीकेशन लिखा हुआ है, तो यहाँ पर क्लिक कर लोगे तो जो एप्लीकेशन होगी APK फॉर्म में होगी वो डाउनलोड हो जाएगी। तो डाउनलोड होने के बाद ऐसा पॉपअप आ जाएगा, यहाँ पर इंस्टॉल लिखा होगा उस पर क्लिक कर लेना होगा। तो अगर आपकी एप्लीकेशन इंस्टॉल ना हो जाए तो आपको आपके मोबाइल्स की जो फाइल्स होगी वहाँ पर चले आना होगा और फिर स्टोरेज वाले सेक्शन में आ जाओगे तो इस तरीके से आपके सामने सारे ऑप्शन शो हो जाएगी। तो जो APKs की फाइल होगी वहाँ पर क्लिक कर लेना तो आपके सामने जो आपका फॉक्स नेटवर्क की एप्लीकेशन होगी और जितनी भी APKs की एप्लीकेशन होगी जो इंस्टॉल नहीं हुई होगी वो सब आ जाएगी। तो वहाँ से फॉक्स नेटवर्क की एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेना। ठीक है दोस्तों, तो ये कल का कल ही मैंने आपको टेलीग्राम के चैनल पर बता दिया था, ये फ़ोटोज़ के साथ सब कुछ आपको समझा दिया था। तो इसलिए कहता हूँ कि मेरे टेलीग्राम के चैनल को भी ज्वाइन कर लो, क्योंकि वहाँ पर आपको फटाफट से अपडेट मिलती रहेगी। देख लो, इन्होंने पहले से कह दिया था फॉक्स ऐप टेक्निकल ग्लिच सक्सेसफुली फिक्स, तो इनकी जो प्रॉब्लम थी वो सक्सेसफुली कम्प्लीट हो चुकी है। तो इसके पीछे की एक वजह ये भी थी कि इसकी जो एप्लीकेशन है वहाँ पर ये लोग शायद KYC का फीचर ला रहे हैं, तो उसके अपडेट की वजह से फॉक्स नेटवर्क की एप्लीकेशन है वहाँ पर थोड़ी प्रॉब्लम आ रही थी। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर आप देख सकते हो मैं मेरी फॉक्स नेटवर्क की माइनिंग की एप्लीकेशन है वहाँ पर आ चुका हूँ। यहाँ पर अकाउंट सेटिंग है, ट्रांजेक्शन हिस्ट्री, इन्वाइट फ्रेंड, प्राइवेसी पॉलिसी और ये वाइट पेपर है, तो यहाँ से आप देख लो। तो इस तरीके से आपकी एप्लीकेशन भी 100% वर्क करना स्टार्ट हो जाएगी।